जय हिंद सभी को मेरी तरफ से, और इस जानदार शानदार इंटरव्यू में सभी का स्वागत है। और आज एक सफलता की स्टोरी हम फिर से सुनने वाले हैं, और मेरे बाजू में बैठे हुए हैं अखिलेश पटेल, जो कि लोको पायलट है इंडियन रेलवे में। तो आज इनकी पूरी कहानी सुनेंगे, कहाँ से स्कूलिंग हुआ, कैसे ये एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट आए, कितने दिनों में सफलता मिली, कहाँ पोस्टेड है और भविष्य में क्या क्या करने वाले हैं। तो अखिलेश, सबसे पहला सवाल कि स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरा सर पूरा स्कूलिंग लाइफ जो है वो गांव से पढ़ा हूँ मैं, 10th तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद में 11th 12th के लिए मेस नहीं था मेरे गांव में। अच्छा। तो उस मेस के लिए मैं एक्सीलेंस स्कूल खंडवा में आ गया। तो गांव से स्कूलिंग हुआ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े थे, यहाँ पर भी आए खंडवा में, तो एक्सेलेंस उत्कृष्ट स्कूल के नाम से यहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन किया। तो 12th वहीं तक किया? अच्छा। मेरा 12th एक्सेलेंस स्कूल से ही कम्प्लीट। अच्छा। इसके बाद में अगली चीज़ है कि कहाँ से आपने आगे की पढ़ाई करी, जब 12th कम्प्लीट हो गया फिर कहाँ पढ़ाई करी? 12th कम्प्लीट होने के बाद एक एग्ज़ाम होती है PPT, उसके थ्रू मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। अच्छा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपना डिप्लोमा कम्प्लीट किया, 3 वर्ष का होता है। ओके। मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा के तौर पे किया अखिलेश ने, और वर्तमान में जैसे कि मैंने सभी को ये बताया कि लोको पायलट हैं, तो असिस्टेंट लोको पायलट हैं। तो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में आपका जो है वो कैसे संपर्क हुआ, और कितने ड्यूरेशन में आपने तैयारी करके सफलता अर्जित कर ली? एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से मेरा रिलेशन 2016 में जुड़ा था, मतलब 2014 में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और लगभग सेकेंड ईयर में 2016 में मेरा एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट से रिलेशन बढ़ गया। उसका बनने का कारण था कि सर ने एक टेस्ट रखा था, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें यदि हम पास होते हैं, नंबर 1 रैंक लाते हैं, तो 100% स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कोई फीस नहीं लगेगी, और आपका पूरा SSC JEE का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है उसकी प्रिपरेशन पूरी फ्री में करवाते थे सर। तो उसमें फॉर्म भरा मैंने और सिलेक्ट हो गया, मेरी फर्स्ट रैंक आई उसमें, और मेरा मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली इस इंस्टीट्यूट से। तो SSC JEE का कंप्लीट 1 साल का प्रिपरेशन मैंने किया, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। तो फिर उसके बाद टेक्निकल में ही लोको पायलट की निकली थी वैकेंसी, और उसके पैरेलल में ही नॉन टेक में भी निकली थी। तो मैंने उस समय उन वैकेंसी में फॉर्म भरे, और लगभग मुझे नॉन टेक में 6 महीने लगे और मेरा एग्ज़ाम निकल गया। तो मतलब नॉन टेक्निकल की, टेक्निकल की तैयारी तो पूरी थी ही पहले से, नॉन टेक्निकल में 6 मंथ का ड्यूरेशन एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में दिया, और लगभग 1 से 1.5 साल आपने शायद इंस्टीट्यूट में तैयारी करी थी और आपका सिलेक्शन हो गया। सो दैट इन्होंने यही एकमात्र इंस्टीट्यूट से तैयारी करी शुरू से अंत तक, और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आज हैं। कैसी चल रही है लाइफ, मतलब एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यदि आप कहो संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो? बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है सर, लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है पैसा। अच्छा। और वो है तो फिर ज़िंदगी तो आपकी अच्छी चलेगी। कितना भी, मतलब यदि हम ये कहें कि अभी फ़िलहाल के तौर पर जो एक गवर्नमेंट लोको पायलट होता है, यदि हम सीधे कहें कि लोको पायलट होता है, तो उसकी सैलरी जो है करीब 50-60,000 के करीब करीब जाती है, तो ये तो सभी को पता है, लेकिन एक व्यक्ति की कितनी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मेरा प्रश्न अखिलेश से था कि अभी आप अपने जॉब से कितना सेटिस्फाइड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, आप कितने सेटिस्फाइड हो? सर मैं इस एग्ज़ाम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं जो है मेरा जो बैक है बहुत बोल सकते हैं आर्थिक तंगी रही थी हमारे यहाँ, तो पैसे का बड़ा प्रॉब्लम आता था। तो और जो ये जॉब है उसमें मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, मेरे परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो मुझे ये जॉब बहुत बेहतर लगती है। अच्छा। साथ ही साथ क्या होता है कि ये तो ठीक है कि अर्निंग अच्छा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉई अब तुम बन गए हो,
तो उसका क्या एक मतलब जो रहता है ना कि एक सोशली हमको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट कि आपको सोशली बहुत रिस्पेक्ट मिली हो और आपको बहुत अच्छी लगी हो कि हाँ मैं अपने दोस्तों के बीच हूँ या कहीं पर भी हूँ और मुझे जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है दूसरों के बनस्पित, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? सर ऐसा एक इंसिडेंट हो तो बताने में आए, ऐसे बहुत सारे होते हैं तो जिनको मैं ना तो याद रख पाता हूँ और किसी एक को बता पाना बड़ा मुश्किल हो। लेकिन ऐसे ही मैं दो चार बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे दोस्तों में हम पार्टी वगैरह में कहीं मिलते हैं तो उस समय भले ही हम लोगों से ज़्यादा कमाने वाले दोस्त भी वहाँ बैठे रहते हैं जो कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, लेकिन एक जो गवर्नमेंट का जो आपके ऊपर टैग है, जो गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ है, उसमें आपका सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं रखता। बस वो ये देखते हैं कि यार गवर्नमेंट में है ये, और आपकी शुरू से आखिरी तक आपके ही चर्चे चलेंगे। वो भले ही अपने बाजू में कितने भी कमाने वाले लोग बैठे हो तो उनका कोई जिक्र नहीं होगा और ना वो खुद कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि नहीं यार गवर्नमेंट वाले हमसे बेहतर हैं। तो और ऐसा भी है कि कई बार गांव में मैं जाता हूँ तो बड़े रेस्पेक्ट के साथ लोग मुझे ड्राइवर साहब बोलते हैं, कोई पायलट साहब बोलते हैं, मतलब अब नाम से मुझे बहुत कम जानते हैं। जब भी जाता हूँ तो ऐसे ही बुलाया जाता मुझे, फिर बुजुर्ग लोग जो है अपने घर पे बुलाते हैं चाय वाय के लिए, मतलब ये ऐसा लगता है कि नहीं यार मतलब बहुत अच्छा काम किया है और अब बहुत ज़्यादा इज्जत कमा ली है, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि अभी तो इज्जत मिल रही है, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे थे तो मन में कहीं ना कहीं डाउट तो होते हैं सभी के कि लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, तो आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट हो तो आप शेयर करें और उसको आपने कैसे दूर किया। आप असफल भी हुए होंगे तो आपने अपनी असफलता को कैसे देखा ताकि दूसरे लोग उससे मोटिवेट हो सके कि असफलता के बाद सफलता जरूर आएगी, आप निश्चित रूप से तैयारी करते रहें। ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप सबको बताओ। ऐसा तो तभी हुआ था जब मैं SSC JEE में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं एक साल की प्रिपरेशन मैंने SSC JEE को दी थी और उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो मैं इस बात से बहुत दुखी था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और पूरा नेगेटिविटी से भर गया था मैं कि अब तो क्या है कैंपस वगैरह में सिलेक्शन होना भी ज़रा मुश्किल होगा क्योंकि पिछले लोगों को लेते नहीं हैं और नए फ्रेश लोगों को ज्वाइनिंग देते हैं। तो उस समय मेरे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रह गया गवर्नमेंट जॉब करने के अलावा, उसकी प्रिपरेशन करने के अलावा। तो फिर मैंने थोड़ा मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई थी, तो मैं आपके पास आया भी था, मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी और उसी समय में ये जो वैकेंसी निकली हुई थी फिर उसकी प्रिपरेशन करने लगा मैं। तो धीरे 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 जब मैं ऐसा लगा जब मैं ऑनलाइन टेस्ट देता था मैं उनसे ज़्यादा रैंक लाता था और कई बार ऐसा भी हो जाता था जिसमें टॉप 10 में नाम आ गया था, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता था वहाँ से। मुझे ऐसा लगता था कि बस ये लोग भी तो वही है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और यही लोग फॉर्म भरने वाले भी हैं, वो तो दूसरे तो होते नहीं जो फॉर्म भरेंगे, ये और इन लोगों से हम लोग आगे हैं, मतलब कि हम भी ये जॉब पा सकते हैं। तो ऐसा मोटिवेशन मिलता था और धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म होते गई। लोग बोलते थे जब घर से निकलते थे तो बोलते थे कि अरे यार ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट मिलती नहीं हम लोगों को, ऐसा वैसा जो भी है, लेकिन उन बातों को एक साइड रख करके मैं अपना कंटिन्यू करते रहा। और बीच बीच में ऐसे पढ़ते पढ़ते कभी कभी आते भी थे विचार, तो उन विचारों को भी एक जगह रख करके, वो विचार भी थे दिमाग में, पूरी तरह से उनको ख़त्म नहीं कर पाया था मैं, वो विचार भी रखते हुए मैं प्रिपरेशन करते चला गया। जब रिज़ल्ट मिलने चालू हुए तो वो जो दिमाग में बैठी थी बातें वो धीरे धीरे निकलने लगी और जो रिज़ल्ट का पॉजिटिव बोल सकते थिंकिंग जो था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो मेरा बस उसी डायरेक्शन में सोचना हो गया था कि रिज़ल्ट मिलता है, मतलब ये भूल गया था मैं कि रिज़ल्ट नहीं मिलता है, मिलेगा। तो ये सभी के लिए जानने के लिए जरूरी है कि आप दिल से मेहनत करिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति तैयारी करते हैं उनके मन में एक थॉट जरूर रहता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ज़रूर मिलेगा, ये सफलता सामने आपके बैठी है कि आप मेहनत करिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अभी फ़िलहाल के तौर पर जिसको कहना चाहिए कि बहुत सारे जो आपके टाइम पर तो ऑनलाइन की जो पढ़ाई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ऑनलाइन की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो क्योंकि आपका सिलेक्शन तो उस वक्त हुआ था जब आप ज़्यादा ऑनलाइन की पढ़ाई नहीं करते थे, तो ऑफलाइन की पढ़ाई को आप कितना महत्व देते हो, मतलब आपने उस तरीके से पढ़ा
कि जब पुस्तकों की मदद, अपने खुद से नोट्स बनाना, अपने टीचरों की सुनना, तो ऑफलाइन पढ़ाई को आपने कितने गंभीरता से लिया और कितना आप उसको महत्व देते हो अपनी सफलता में? हमारे टाइम पे ऑनलाइन मटेरियल इतना अवेलेबल नहीं होता था, तो मैं तो इसको एक बेनिफिट की तरह मानता हूँ कि अच्छा हुआ ये नहीं था, क्योंकि मतलब जो स्टडी मटेरियल ऑफलाइन हमारे पास था वो पर्याप्त है किसी गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए, और अगर वो पढ़ लिया आप अच्छे से तो बाकायदा आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है कि आप अगर ऑनलाइन में भी जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो आपका एक जगह मन नहीं लगेगा, अरे यार इससे बेहतर वो पढ़ाता है, अरे नहीं उसके देखते हैं, तो आप एक चीज़ कोई सी भी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन आप अगर ऑफलाइन देख रहे कि भाई एक बुक से आप मैथ्स कर रहे हैं, तो आप उसी एक बुक को पकड़े रखोगे, आपके पास दूसरा मटेरियल है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? और आप इतने सक्षम भी नहीं है कि तीन तीन चार चार किताबें ले करके ना पढ़ लो, जो एक है इंस्टीट्यूट पर मिल रही है उसी को सॉल्व करो, कंप्लीट करो। और उसमें भी देखते हम कि जो प्रीवियस ईयर में उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब इसमें से पूछे जा रहे क्वेश्चन तो फिर ऐसा क्यों डाउट कि ये नहीं आएगा आगे, उसको तो करो पहले, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मान लीजिए वही आ गए तो फिर आप क्या कर लेंगे। तो जितना मटेरियल था वो सफिशियंट था और उसी को पढ़ करके हम जो है एग्ज़ाम निकाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सो दैट हम पूरी फैसिलिटी देते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को और ऑफलाइन भी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा यदि आप दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम अपने जो सेमिनार होते हैं उसके बाद में, सक्सेसफुल सेमिनार्स के बाद में, हम एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं। यहाँ पर जो है एक नेशनल फ्लैग लगा हुआ है अखिलेश को, और ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट होता है हर एक सिलेक्टेड पर्सन को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो सफल हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में राष्ट्र को समर्पित है, यानी कि अपनी सेवाएं दे रहा है अपने देश को। तो ये आपको हमने गिफ्ट किया, आपकी थोड़ी सी फीलिंग बताइए लोगों को कि आपको कैसा ये लगा। जब ये लगाया गया ये मेरे जेब पे, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, और जो एंथम बज रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि पता मतलब मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, मतलब मैं देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा, बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब बहुत प्राउड फील हुआ सर। मैं इसको बता नहीं सकता, मैं अपने शब्दों में क्या बया करूँगा, मैं कुछ भी बोलूँगा वो कमी है इसके लिए। थैंक यू। तो हमारा भी इच्छा यही रहता है कि आपको प्राउड फील करवाया जा सके यहाँ पर जो भी सिलेक्टेड होते हैं, और हर महीने इस प्रकार के एक सेमिनार हम अरेंज करते हैं जिसके वीडियोस में आपको अपने एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के चैनल के ऊपर कुछ क्लिप्स के माध्यम से डाल दूंगा। तो बाकायदा मेहनत करते रहिए, और आखिरी में कोई अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हो अखिलेश, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके बारे में, तो कुछ दो शब्द आप उनको मेहनत करने के बारे में बता दें। मैं अपने सभी दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है नकारात्मक चीज़ों को कम एक्सेप्ट करें और सकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आपको जो है बाद में वही काम आएंगे। और आप जितने भी आपके सवाल है वो आप अपने टीचर से पूछें, जो भी निगेटिविटी दिमाग में आ रही है तो क्या है कि वो दूर होगी और टीचर आपको पॉजिटिव वे में ले जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए और नेगेटिव थॉट मत दिमाग में आने दीजिए, आप एक दिन ज़रूर सरकारी कर्मचारी बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से आप मेरे को ये बता सकते हो कि हाँ सर ये इंटरव्यू हमें बहुत अच्छा लगा, ये सीरीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है, और इसी तरीके से आपको इंटरव्यू मिलते रहेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और नए यदि आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको पढ़ाई भी मिल सके इसी चैनल पर और मोटिवेशन भी मिल सके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से सफलता की एक स्टोरी के साथ में। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।